गाजियाबाद पुलिस ने बेहतर तरीके से काम करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का सहारा लिया है। एसएसपी ऑफिस गाजियाबाद में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है, जहां कर्मचारियों की हाजिरी का विश्लेषण स्वयं डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल करेंगे। इस संबंध में डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि पुलिस में दो तरह की ड्यूटी होती है, एक फील्ड जॉब और दूसरी पुलिस कार्यालय में लेखन आदि संबंधी ड्यूटी होती है। दूसरे प्रकार की ड्यूटी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है, ताकि कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मी समय से कार्यालय पहुंचे और उनका विश्लेषण आदि करने में भी आसानी हो। देखिए, पुलिस में जो है बेसिकली दो तरह की ड्यूटियाँ रहती है। फील्ड ड्यूटी होती है, जहाँ हमारे कर्मचारी जो है बाहर फील्ड में ड्यूटी कर रहा होता है, जिसका जाने आने का समय उतना निश्चित कर पाना मुश्किल होता है। परंतु जो ऑफिस की ड्यूटियाँ होती है, बेसिकली पुलिस ऑफिस की, जहाँ ऑलमोस्ट एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है कि सुबह 10 बजे आना है और शाम में काम करके चले जाना है। संडे भी ऑलमोस्ट ऑफ होता है, तो इसमें जो है टाइमली लोग आएँ, टाइमली इंश्योर करें कि वो लोग प्रेजेंट रहें, ताकि जो पब्लिक के लोग आ रहे हैं, चाहे वेरिफिकेशन से रिलेटेड या कोई समस्या लेकर के आ रहे हैं, तो उनको यहाँ मौजूदगी मिले। इसको इंश्योर करने के लिए बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जहाँ लोग अपनी अटेंडेंस अंगूठे लगा करके अपना दर्ज कराएंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उससे मुझे पता होगा कि कितने बजे तक कितने लोग आ चुके हैं और कौन एबसेंट है, उसके विरुद्ध फिर जो है जो एबसेंट है या लेट से आ रहे हैं, उनके विरुद्ध जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो भी की जा सकेगी। पुलिस कार्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम लगने से निश्चित रूप से फरियादियों को भी बेहद आसानी होगी, क्योंकि अब पुलिसकर्मी तकनीकी रूप से अपनी हाजिरी लगाने के लिए निर्धारित समय पर पुलिस कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही जब स्वयं डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल बायोमेट्रिक सिस्टम की मॉनिटरिंग करेंगे, तो पुलिस कर्मियों में अनुशासन और बेहतर होगा। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।